हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्पेशल स्टडी विद राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 3 की वैकेंसी आ चुकी है, उसके फॉर्म भी फिलअप हो चुकी हैं। मैं आपको आज मैथ के पेडागॉजी से कुछ संबंध रिलेटिव कुछ क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं, जो इस प्रकार हैं। पहला है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। दूसरा है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित तीसरा है, गणित संख्याओं, स्थानों, मात्रा, दिशा, आकार, प्रकार, मापतौल का विज्ञान है। गणित में गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित की प्रकृति तार्किक है। नेक्स्ट है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। पाई एक अपरिमेय संख्या है। शून्य को पहली बार ब्रह्मगुप्त ने उपयोग किया था। गणित की भाषा संख्यात्मक संकेतात्मक होती है। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व तो मानसिक है। पाई एक यूनानी अक्षर है। आर्यभट्ट ऐसे गणितज्ञ थे जिन्होंने पाई का लगभग परिमित मान अर्थात सन्निकट मान निकाला, जिसे पाई बराबर होता है परिधि व्यास, जिसमें परिधि का मान होता है 22,832 बटे व्यास का मान 20,000 लगभग 3.1416 के मान के बराबर होता है, जो दशमलव के 4 स्थान तक शुद्ध मान है। विख्यात गणितज्ञ माधव को ज्ञात था कि पाई एक अबीजी संख्या है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ के कटपयादि सूत्र में पाई का मान 31 स्थानों तक पाई बराबर 3.1415926539732846926432834392 निम्नलिखित सूत्र में दिया था। नेक्स्ट है, 15वां, श्री निवास रामानुजन इस महान गणितज्ञ की एक सर्वसंख्या का प्रयोग करके गणितज्ञों में पाई के मान दशमलव के मिलियनों या लाखों स्थानों तक परिकलित कर लिए। प्रसारण और विश्लेषण आरए फिशर की है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता प्लेटो को कहा जाता है। हासिल का संप्रत्यय को गणित में सप्तम श्रीधर। गणित की उन्नति और वृद्धि नेपोलियन। उच्च कक्षाओं के लिए निगमन विधि अच्छी होती है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि आगमन विधि है। गणित की प्राचीनतम शाखा अंकगणित है। यूक्लिड के समय बिंदु रेखा तल पृष्ठ की परिभाषा दी गई। गणित की विशेषता तर्कपूर्णता शुद्धता परिणामों की निश्चितता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। बाच मार।